दुबई का सबसे ज्यादा सामान लगा हुआ है। ज्यादा दुबई का सामान है, एम वगैरह जितना भी लग रहा है सब दुबई का। एम भी भाई, और मतलब सिस्टम तो आज कुछ अलग ही होने वाला है ना। 16-20 ट्यूब एक साथ चला देगा भाई, चला देगा ऐसा एम लगा भाई। भाई साहब वीडियो तो देख रहे हो यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। 1000 रुपए का लोगो ये 7,500 रुपए का ये लोग। उन्हें 2 लाख रुपए का ऑडियो सेटअप रहने वाला यार। ये दुबई से लेकर के आया था मैं, ये दुबई से लेकर के ओरिजिनल है लोगो, कभी काले नहीं पड़ेंगे। जेड़े दरवाजे बोर्ड चक्की खड़े आवे चंगी तरह जानता है कौन कास तो। कुछ इतने चांदी चमकाना चाहते ने, कुछ तेन फर थले लाना चाहते ने, कुछ कने आए इतने भुखे फेमते नाम लैके तेरा अगे आना चाहते ने। करता हूँ सब बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। आज हम रीजन ही लेके आए आप सबके लिए, आज हम लेके आए टोयोटा की भाई छोटी फॉर्च्यूनर जो अपनी है अर्बन क्रूजर। तो यार सारी चीजें बताने वाले, सबसे पहले ये देखो भाई, ये सबसे यूनिक लगी पूरी कार में, और सारी चीज इसमें ना सारी चीज बाहर से लगी हुई है, सब चीज दिखाने वाले, चाहे वो एम्प हो, अपना स्पॉइलर हो, ये सारे लोगो देख रहे हो ना, ये भी सब बाहर के लगे हुए हैं, बाहर से मंगाए हुए हैं भाई ने। तो सारी चीजें सब हम कवर करने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको भाई का इंस्टाग्राम मिल जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, जल्दी जाके यार फॉलो करो, यूजर नेम स्क्रीन पर आ ही होगा। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। तो गाइस आज हमारे साथ है रियाज भाई। तो भाई कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। आपने कार तो कुछ अलग ही बनाई है, मतलब ऐसी मैंने अर्बन क्रूजर देखी नहीं है दिल्ली में, क्या आपने यूपी वूपी कहीं नहीं देखी है। तो भैया ये बताओ सबसे पहले अपनी कार का मॉडल कौन सा है? ये 2022 मतलब 2022 वाला अपना मॉडल है। और वेरिएंट कौन सा है? टॉप सेकंड है। मैनुअल है या ऑटोमेटिक? मैनुअल। तो अपना मैनुअल है। तो भाई ये देख ही रहे हो कितनी तगड़ी बनाई हुई है भाई ने ये कार। तो भाई ये बताओ आज ज्यादा चीज इसमें कहाँ की लगी हुई है? बाहर की, दुबई की। दुबई की सामान, दुबई का सबसे ज्यादा सामान लगा हुआ है। ज्यादा दुबई का सामान है, एम वगैरह जितना भी लग रहा है सब दुबई का। एम भी भाई, और मतलब सिस्टम तो आज कुछ अलग ही होने वाला है ना। तो सारी चीजें आपको दिखाने वाले हैं, सबसे पहले आते हैं फ्रंट की तरफ। तो भैया ये बताओ सबसे पहले आपने फ्रंट में क्या क्या चीज चेंज कराई हुई है अपनी? इसमें फ्रंट में अलॉय नहीं, इधर आओ पहले फ्रंट में, साइड बाद में दिखाएंगे। भी क्रोम है, ये सारी क्रोम चेंज करा रहे। अच्छा ये सारी क्रोम चेंज कराई, ये तो अपने शोरूम से ही? जी ये अपने शोरूम से कराई है। और ये देखो अर्बन क्रूजर, अरे वाह। तो ये भी यहीं का है, ये भी बाहर का अर्बन क्रूजर? ये तो मैंने यहीं से मंगवाया। अच्छा यहीं से बनवाया, ये देख सकते हो आप। मतलब और लाइट वाइट में क्या चेंजेस अभी इसमें? लाइट तो कंपनी से इसकी बहुत अच्छी आती है। हाँ यार ये लाइट तो इसकी बहुत, डबल प्रोजेक्टर में है ना। ये देखो प्रोजेक्टर में लाइट है, बहुत ही तगड़ी लग रही है। तो भैया ये बताओ सबसे पहले जो अर्बन क्रूजर लिखा हुआ है इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ गई थी आपको? ये लगभग लगा था मुझे 1500 रुपए का। 1500 रुपए। और ग्रिल अपनी? ग्रिल लगी थी 7,500। 7,500 ग्रिल पूरी नहीं है, सिर्फ इसका जो क्रोम लगा हुआ है ना वो है। अच्छा बस जो क्रोम लगा हुआ। तो भाई ये देख सकते हो, और इसमें फोग लैंप आते हैं या नहीं आते? ये लगवाए हैं मैंने, लगवाए हैं अलग से। तो इनकी क्या कॉस्टिंग पड़ गई अपनी? ये लगभग 7,500। 7,500 कंपनी से ही? हाँ जी। तो भाई ये देख रहे हो अपनी फ्रंट की लुक कुछ बहुत ही ज्यादा तगड़ी आई हुई है। तो ये देखो अपना कुछ, ये भाई ने साइन वाइन बनवा रखे हैं। तो भाई ये साइन किस चीज का है? ये तो ऐसी ऐसी स्पोर्ट्स वाला भाई ने लगवाया हुआ है, ये लगवा रखा है। ओ ये देखो भाई अपनी साइड मिरर, ये कार्बन फाइबर है या ग्लास ही चेंज है? नहीं ग्लास चेंज है इसका, ग्लास चेंज है कंप्लीट। अरे वाह ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे रैप हो भाई ये। और ये क्या चीज है? अच्छा अंदर वाला, अंदर वाले उस पे भी ये चेंज है। ये पूरा कार्बन फाइबर वाला टच है। तो भाई ये कहाँ से अपना? ये कंपनी से लगवाया, कंपनी से लगवाया है। तो अपना ग्लासेस भी चेंज, इनकी क्या कॉस्टिंग पड़ गई? ये कवर है शायद इसका? ये खाली कवर है। हाँ जी। तो 10,000 रुपए का सेट है चारों का।
10,000 का, एक इसका, एक ये बीच वाला जो अपना होता है और एक उधर वाला, और ये पीछे दोनों साइड होगा ना। तो भाई ये देख सकते हो अपने 10,000 का पूरा पड़ा है। तो भाई ये देखो, ये सारी चीज तो इसमें आती नहीं है, ये कैसे? ये मंगवाई है मैंने, ये दुबई से लेकर के आया था मैं, ये दुबई से लेकर के ओरिजिनल है। लोगो कभी काले नहीं पड़ेंगे, कभी काले 7 महीने हो गए नहीं लगे। अच्छा 7 महीने हो गए। और ये लोगो देखिए, अरे वाह, ये देखो भाई सबसे चीज, ये अलग लोगो है भाई टोयोटा का ना, जो आता ही नहीं यहाँ पे, ये है नहीं भाई साहब। ये बताओ बहुत इनकी क्या प्राइसिंग पड़ गई, पहले ये बताओ इस लोगो की क्या प्राइसिंग थी भैया? लोगो जो थे भाई 3,500 रुपए एक लोगो। अच्छा 3,500 रुपए, 7,000 रुपए का लोगो ये, 7,500 रुपए का ये लोगो। अरे ये देखो ये। भाई अपनी और पीछे ये देख रहे हो, ये वाली स्ट्रिप ये भी अलग से है ना। तो रखा मैंने टीआरडी का ओरिजिनल, फॉर्च्यूनर में टीआरडी किट आती ना लगी हुई, बिल्कुल ये टीआरडी किट का है ओरिजिनल भाई। ये देख सकते हो इसकी क्या कॉस्टिंग थी, ये लेकर क्या था 1500-1600 रुपए के आसपास, 1500-1600 रुपए। ये भी दुबई से भाई, ये देखो थोड़ा टच इस तरफ भी मिल जाएगा, ये भाई ने जैसा उधर सेम लगा हुआ है, ये देख सकते हो। और अपना साइड, अरे ये तो भूल गए भैया, इधर आओ सबसे पहले, ये देखो भाई अपना स्पॉइलर भाई कितना प्यारा लग रहा है, लुक देखो कितनी तगड़ी आ रही है। अगर आपने सिनेमैटिक शॉट ही देखे ना तो वो भी जाके जरूर देखना। तो भाई ये बताओ ये अपना कितने का पड़ा? 7,500 यहीं से, इंडिया से ही। तो भाई ये देख सकते हो, और एक चीज़ और दिखाऊँ तो भाई ये देखो सबसे खतरनाक चीज, ये भाई ने बस ओनली कैप करवाई है, वेल्वेट्रॉनिक ओरिजिनल मंगा रखा है। अच्छा ऐसी रहेगा, इस पे जंग नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब साउंड वाउंड कुछ नहीं है, बस ओनली कैप है। ये देखो भाई, तो इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ी थी आपकी? ये 6,500 रुपए। 6,500 रुपए, कुछ गारंटी वारंटी भी है क्या इसकी? जंग नहीं आएगा इस पे, ये गारंटी। जंग नहीं आने वाला भाई, ये देख सकते हो लुक, मतलब पीछे से बिल्कुल अलग है और साइड से बिल्कुल अलग। तो साइड लुक दिखाते हैं कुछ आपको, ये देखो मेन चीज इसके अलॉय व्हील्स। तो भैया ये अपने कौन से नंबर के अलॉय व्हील्स हैं, कितने चेंज करा चुके आप? इसमें 5-6 के चेंज करा दिए मैंने, 5-6 चेंज करा दिए। तो अपना ये कौन सा, छठा है या सातवा है? छठा है मेरा, छठा अलॉय है भाई साहब। पसंद नहीं आया था ये, चंडीगढ़ से लेकर गया था। और गाड़ी को पुराने मतलब कितने साल हो गए या महीने हो गए गाड़ी को? फरवरी की है, फरवरी की। और भाई ने अपने 6 अलॉय चेंज करवा चुके हैं, और अब करंट में जो है ये वाला है, इसकी जो प्रोफाइल है 245/45R18। तो अपने 18 इंच के भाई साहब ये अलॉय व्हील्स नहीं है ना, ये 20 अड़ता है, इसलिए 18 के लगा रहा है। अच्छा अच्छा, तो भैया जैसा आप देखा होगा YouTube पे या मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मोस्टली 20 इंचेस है, तो 20 इंचेस क्यों आपने सही लगा रखे ना? मैं खुद मैकेनिकल काम है मेरा। अच्छा यार, ये भैया खुद ही मैकेनिक है, मतलब आपका क्या क्या वर्क रहता है मतलब उसमें? मेरा इंपोर्टेड गाड़ी का काम है सारा, ऑटोमेटिक गियरों का। अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिक गियर्स का काम, मर्सिडीज बीएम सारा उनका काम है। तो ये ऐसे लगा रखे हैं जो कि टच ना हो, बिल्कुल भी बॉडी से टच नहीं होंगे इतना सभी, चाहे जितने लोग बैठ जाएं इसमें, जितने भी लोग बैठ जाएं, चाहे जितने मर्जी ब्रेकर से कुदा दो, आप इतना से टच नहीं होगा। इसलिए 18 के लगा रखे, 20 के इसलिए नहीं लगाए क्योंकि अड़ते हैं 20। बिल्कुल, वो तो अड़ेंगे थोड़ा, सारी ना साइड जो इसको खराब कर देते हैं। हाँ हाँ, ये तो है। तो भैया ये बताओ, रनिंग रिस्पॉन्स बढ़िया इसका ना? एक नंबर का, एक नंबर। मुंबई होकर के आऊँ मैं इससे, मुंबई इसको लेके? अरे भाई ये बताओ, तो अपने टायर तो चाइनीज है जैसा मैंने बताया है ना, और अलॉय भी अपने चाइनीज ही है, तो कंपनी के ओनली अलॉय, अलॉय 1,05,000 रुपए के। अरे वाह, तो ये आपने कहाँ से इंस्टॉल करवाए? ये चंडीगढ़, चंडीगढ़ से। तो भाई ये देखो, और क्या कॉस्टिंग पड़ गई इनकी? ये टोटल पड़े तो मुझे 1,26,000 के आसपास। 1,26,000 अलॉय या फिर टायर? टायर भर सब 1,26,000 के। तो भाई जो इसमें थे उनको देखे है कैसे? वो तो मैंने पता नहीं कितने पलटा मार दिए। अरे भाई ये देखो, और भी जैसे ये अपने नट की इसमें कमी है, जैसे अपने स्टील वाले वो आते हैं मंगवाए हुए, वो बड़े वाले जो आते हैं ना वो मैंने मंगवाए, इसमें और जो इसका सस्पेंशन है वो भी एयरमेटिक करेंगे। एयरमेटिक, ये जो टायर है हमारा, टायर ऐसे लेटा करेगा इसका, पूरी नीचे बैठ जाएगी, रोड से इतनी आ जाएगी। अरे वाह, ये देखो भाई साहब, मतलब ये भाई कुछ अलग ही कर देंगे मार्केट में है ना। वो मंगवाया मैंने, क्या चीज का जो डब्बा रखा होता ना एक। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, वो अपने जो केरल वाले में जो सिस्टम चल रहा है आजकल है ना। अरे वाह, और बताओ भाई, बहुत ही तगड़ी लग रही है गाड़ी। अब ये बताओ इसमें एवरेज क्या दे देती है? ये अभी तो 10-11 की निकाल ली है, 10-11 की एवरेज पेट्रोल पे। हाँ, मैं अभी मुंबई होकर गया तो 18 की देती है, 18 की इन्हीं टायरों पे। हाँ, इन्हीं टायरों पे 18 की निकाल देती है। अरे वाह भाई, हाईवे पे 18 की निकाल देती है आराम से। भाई ये देखो, कम से कम बढ़िया लग रही है और एवरेज भी अच्छी निकाल रही है हाईवे पर, सिटी में तो बहुत ही कम देती है ना कार। सिटी में तो 11 की निकाल ली है, 11 की निकाल रही है, 11 की तो बिल्कुल 11 की निकाल रही है ऑलमोस्ट। हमने बाहर से भी और कुछ भी रह चुका है या अभी और भी है बाहर से अपना? फिर इंटीरियर दिखाते हैं इनको, बाहर से होगा, इंटीरियर दिखाते हैं आप सबको, अंदर आ जाओ भाई। तो भाई सबसे पहले ये देखो, ये होए होए, ये कितना बढ़िया लग रहा है। तो अपना ये इसमें आता नहीं है ना भैया? नहीं कुछ नहीं आता इसमें भाई, ये देख सकते हो आप। और अपना चेंज करा है, स्टीरियो चेंज, अपना स्टीयरिंग बनवाया है बटन में, ये देखो अपना स्टीयरिंग एम लगा, इंक्लोजर लगा हुआ है इसमें, ये नहीं आता इसमें। हाँ ये नहीं लगाया मैंने। अच्छा खुद ही लगाया यार भैया, कुछ भी कर देंगे भैया ना, खुद ही लगाया मैंने। तो इसमें अहम अपना कौन सा भैया?
इनमें एम 16 चैनल का लगा हुआ है। 16 चैनल का एम, तो यहाँ का है कहाँ का? बाहर का है सारा, सारा बाहर का। और इनक्लोजर अपना कौन सा है? इनक्लोजर लगा हुआ है ब्रैनफोर्ड का। नहीं, एम लगा हुआ है 16 चैनल वाला, तो इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ गई? 1.25 लाख रुपए के आसपास का एम है। 1.25 लाख का एम है ये, ज्यादातर आपने लैम्बोर्गिनी में देखा हुआ लगा हुआ। अच्छा, लैम्बोर्गिनी में आता है और फरारी में आता है। अच्छा अच्छा जी, तो आउटपुट तो बहुत ही तगड़ा आने वाला है, सारी चीजें सुनाने वाले अपने। बूफर की क्या कॉस्टिंग पड़ गई भैया? बूफर की लगभग 75,000 रुपए के आसपास। 75,000 रुपए का एक बूफर अपना। और इसमें डोर में जो स्पीकर लगे 11.5-11.5 मतलब टोटल आपने ऑडियो पे कितना खर्च कर दिया? ऑडियो पे मतलब वही 1.25 लाख रुपए के आसपास। 1.25 लाख रुपए का ऑडियो सेटअप रहने वाला है यार। ईयरफोन जरूर लगा लो, ऑडियो जब भी आपको बढ़िया सुनने वाली है। तो चलिए अपना सॉन्ग प्ले करते हैं। आवाज तो बिल्कुल मतलब क्रिस्टल क्लियर जैसी आवाज आ रही है, मतलब मजा आ गया सिस्टम सुन के ना। सकता कोई भी गारंटी इस बात, बिल्कुल यार आवाज बहुत ही प्यारी आ रही है। फुल वॉल्यूम पे भी साउंड नहीं फाड़ सकता कोई भी भाई। अरे ये बताओ भाई, चीज का वादा मेरा भाई। अब ये बताओ आपने टोटल पूरी गाड़ी पे कितना इन्वेस्ट कर दिया? 4 लाख रुपए के आसपास ले गए। 4 लाख रुपए से कम या ज्यादा? नीचे या ऊपर अभी कैलकुलेशन नहीं करा, लेकिन जो मोटा मोटा लगा 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए की भाई पूरी मॉडिफिकेशन करा दिया आपने, देख लिया सारे क्रोम रोम ना जितना भी सब बहुत करवा रखा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल यार, बहुत काम हो पड़ा है। छोटी छोटी चीजें लगाओगे ना। रुपए का तो ये आया नया था कहा इसमें? बिल्कुल नई की नई कटिंग कर दी थी मैंने छोटे। अरे वाह, तो ये अपना ओरिजिनल वाला है कैसे? कंपनी से भाई, कंपनी से ओरिजिनल। अरे वाह, ये देखो मतलब 4 लाख रुपए भाई ने पूरी गाड़ी पे खर्च कर दिए। अगर जो भी यार पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करके बताओ गाड़ी कैसी लगी। इंस्टाग्राम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, यूजर नेम स्क्रीन पे आ ही रहोगा। भाई साहब वीडियो तो देख रहे हो यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर जरूर कर देना हमारी वीडियो को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।